नमस्कार दर्शक बंधु, दुर्गेश टीवी के आपण मानक स्वागत करुच्छी। देखिए, जदि गोटे मनीषर चुट्टी नहीं ताहले आमे समस्ते कहते चंदाटा बहुत उपास्य कटाक्ष करुछन्। किंतु कथार आउ गोटे अच्छी, जदि चुट्टी अच्छी जनकर हैंडसम देखा जाए आउ ब्यूटीफुल देखा जाए, से पुओ हेउ किंबा झियो, आमर अति कम बयसर प्राय पुओ मानकर हेउ झियो मानकर हेउ चुट्टी झड़िबा आरंभ होउछन्ती, प्राय चंदापणर आमे सम्मुखीन हेउछन्ती। तो ई चंदापणरु दूर करिबा पई आमे आज आसीछु हेयर ग्रो। तो हेयर ग्रो आसिले आपण मानकर कोन सब सुविधा हबो, आपण माने क्यों माने आसिकी एठु को कोई को सुविधा पाई परिबे, एई जगह केउठी अछि चंदापणरु मुक्ति पाइबा पई आमे आछंती हेयर ग्रो। आ आपण माने मध्य आसिबे वीडियो टिकु स्किप न करिकी संपूर्ण भाबे देखंतु, जेउ माने भी चाहूछंती एठा को आसिबा पई चंदापणरु मुक्ति होबा पई नियति भाबे आसिकी जानि परिबे। हां, बिना स्किप करिकी वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु, जा फळरे हेयर ग्रो विषय रे आपण संपूर्ण डिटेल्स जानि परिबे। तेबे आसंतु जिबा आमे कथा हबा हेयर ग्रो विषय। सर, प्रथमे तो आपनको स्वागत करुछि आम कार्यक्रम को। सर कौन कहिबे हेयर ग्रो कंपनी विषय रे, कौन कहिबे वर्तमान ए कंपनी केउठी अवस्थित, यार काम कौन कौन सब होउछि? नमस्कार, मेरा नाम एसके वासीर। ए कंपनी का नाम है हेयर ग्रो। ए कंपनी है भुवनेश्वर रसूलगढ़ पार्लामंडप जीजीबी कॉलोनी में। ये एक्चुअली क्या होता है, नॉन सर्जिकल हेयर पैच होता है। नॉन सर्जिकल हेयर पैच मतलब क्या है, मतलब किसी का थोड़ा सा बाल चला जाता है या थोड़ा ज़्यादा बाल चला जाता है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो या कम उम्र का कोई भी हो, ठीक है। तो जिनका बाल चला जाता है उनका ये नॉन सर्जिकल हेयर पैच लगा के उनका पुराना जो लुक है वो हम वापस करते हैं। सर, हेयर ग्रो जड़े आसब जी को समस्या नहीं कि आसब, सपोज जनकर टोटाल चुट्टी नहीं चंदा हो जाए, आउ जनकर चुट्टी अच्छी किंतु चुट्टी झड़ू जी, तो ये दीटा जाकर समस्या नहीं कि जड़े आसीपर कि केवल चंदा होते ही यहाँ आसिकी यहाँ आप समाधान करें आसपर यहाँ। देखिए, एक्चुअली हमारे पास जितना भी कस्टमर आता है, किसी का एलोफेसिया होता है, एलोफेसिया में क्या होता है टोटल बाल चला जाता है, किसी का कैंसर, कोई कैंसर होता है मतलब उसका बाल झड़ जाता है, कैंसर में क्या होता है टकला हो जाता है ना, क्योंकि बाल तो ऑलरेडी झड़ता है इसलिए टकला हो जाता है पूरा। तो ये सब कस्टमर को क्या करते हैं, हमारा ये फुल विग लगता है, ठीक है। अच्छा, ये जब फुल विग है लेडीज हुआ तो उसका फुल विग और इतना लंबा बाल होता है, और जेंट्स हुआ तो ऐसे फुल विग लगता है, उसका जेंट्स हिसाब से छोटा बाल लगता है। बोथ पुआ उछी आसी जी जी जी। अच्छा, और जिसका मान लीजिए कि साइट मतलब थोड़ा पानी के प्रॉब्लम से या कोई खाने के प्रॉब्लम से या कुछ विटामिन शॉर्ट के प्रॉब्लम से जिसका बाल थोड़ा थोड़ा झड़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग एक पैच सजेस्ट करते हैं। अच्छा, हेयर पैच, क्योंकि उनका तो पूरा साइड का बाल नहीं झड़ेगा, उनका झड़ेगा तो सामने से नहीं तो मिडिल से बाल झड़ता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं ये पैच सजेस्ट करते हैं। ये पैच क्या होता है, मतलब ये पूरा ओरिजिनल ह्यूमन हेयर है, ये ह्यूमन हेयर को हम लोग क्या करते हैं कट करते हैं, कट करके उसका जो पुराना लुक है वो देते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरा बाल थोड़ा सा झड़ रहा है, तो मेरा तो यही कहने का मतलब है अगर बाल जो चला जाता है वो दोबारा वापस कभी नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए उसका सबसे बेस्ट मतलब चूज होगा ये हेयर पैच, ठीक है। सर आ गोटे कथा हो टाइप र तो मानने सप हो कि दुकान हो अनेक गुड़े आम ओडिशा अच्छी, ओडिशा बाहर अच्छी, तो हेयर ग्रो जड़े आसब बेस्ट सर्विस कौन रहा? सर देखिए, सर बहुत सारे सॉप है, बहुत सारे सॉप में हर एक क्वालिटी का सर्विस होता है, हर एक क्वालिटी का सामान रहता है, पर मैं तो ये कहूँगा मेरा ये जो सॉप है इसमें 100% ह्यूमन हेयर है, और इसमें क्या है क्वालिटी भी एक नंबर होता है, और सर्विस तो मतलब सर जो सर्विस होता है इसके ऊपर कोई सर्विस नहीं कर सकते। हमारा जो टेक्नीशियन है बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है और काम भी बहुत अच्छा करता है, और इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है। सर आ गोटे क्वेश्चन, जदि जड़े यहाँ लगे आप लगे सपोज दे थे लगे कि से कते दिन थे ये ट्रीटमेंट हाँ पड़ो कि घरे रही कि ट्रीटमेंट कर ना कौन माने बिना ट्रीटमेंट भी लगे कते दिन पर्यटन यहाँ रही पार। देखिए, इसका कोई ट्रीटमेंट मतलब क्या है, इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार लगाएंगे, इसका दो टाइप होता है, क्लिप होता है, पेस्टिंग होता है। बीबिंग बहुत दिन पहले चलता था, वो थोड़ा मतलब बाल सिलाने के बाद उसको मतलब इसको अटैच करना पड़ता था,
तो वो इस साइड मतलब भुवनेश्वर साइड में या उड़ीसा साइड में नहीं चलता है। इधर जो चलता है क्या चलता है, एक क्लिप चलता है, एक पेस्टिंग चलता है। पेस्टिंग मतलब क्या है, तो मतलब एक आटा मिलता है जो ग्लू मिलता है, वो ग्लू हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर का जो बाल पतला हो जाता है ना उसको टीम करके ये पैच उसके ऊपर ग्लू से फिक्स करते हैं। क्लिप क्या होता है, क्लिप मतलब जो अंदर का बाल पतला हो गया उसको हम लोग टीम नहीं करते, ठीक है। तो जो क्लिप, ये जो पैच जो है, पैच के अंदर वो क्लिप फिक्स करके हम लोग सेट करते हैं। तो देखिए, जो ग्लू करेगा, क्लिप करेगा, कुछ भी करिए, पर इधर अगर आपका मर्जी, कस्टमर को हम लोग यही बोलते हैं, आपका मर्जी, आप अगर आएंगे तो आइए, अगर नहीं आना चाहते तो मत आइए, आप घर में मेंटेन कीजिए। मेंटेन्स में क्या है, सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर और कुछ नहीं, ठीक है আচ্ছা, এটা জনে লগাইব, জি। এটা লগাইলে শ্যাম্পুরে ধইলে কিংবা পানি ধইলে কি রাস্তায় ড্রাইভ কলাবেলে এটা লগাইলে এটা উড়ি গল, তো ঝড়ি যাব? এ দেখি, এ তো অরিজিনাল হিউম্যান হেয়ার, এ যে আচ্ছা, হেনা হুম এ হুম অরিজিনাল মতলব হিউম্যান হেয়ার। তো ইসমে কে হতা হে, শ্যাম্পু আগার নেই করেনগে তো এ বাল মে কে হোগা, জাদা ডাস্ট পকড় লেগা। আচ্ছা তো ইসিলিয়ে এ কে হতা হে, মতলব শ্যাম্পু করনা পড়তা হে और इसके ऊपर कंडीशनर का, कंडीशनर में क्या होता है बाल थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इसलिए कंडीशनर करना सर। पड़ता एटा केते दिन पर्यंत आपण लगे की रखी परिवे, तापरे नुआ लगेबे की कौन जी तार जी थिबो? इसका जो लाइफ होता है, हाँ मतलब कोई अगर अच्छे से मेंटेन करेगा तो 3 से 4 साल तक जाएगा। अगर थोड़ा सा राफ, देखिए अगर बहुत सारे कस्टमर होते हैं, ऐसा होता है कि इसको कोई वैल्यू, मतलब इसका कोई वैल्यू उसके पास कुछ नहीं है, तो लगाया कुछ भी हो जाए फिर नया ले लेंगे। तो वो लोग का मतलब वही 1 साल से 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलता है। जदि जड़े पैच करने आपणकर हेयर ग्रो पाखक आसती आपत परसेंट डिस्काउंट दे पारे, कौन बेस्ट ऑफर दे पारे? जी देखिए, अभी तो हमारा शॉप में 50% ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका दुर्गा एसटीवी जो मतलब चैलेंज देखकर अगर कोई आएगा तो हमारे तरफ से जितना मतलब डिस्काउंट हो सके हम लोग कर देंगे। जो मैंने भी देखुंट हेयर ग्रो जदि आम चैनल वीडियो देखिकी आसुचंती आम चैनल ना कहते हैं आपण मानक 50% ऑलरेडी ऑफर चली। जदि आम चैनल थ्रू आपण मैंने आसुचंती भाई आपको आउरी डिस्काउंट करि परिबे, तो आगु आम कथा केते डिस्काउंट करि परिबे भाई, आउ स्टार्टिंग प्राइस केते रहउची, प्राइस विषय में संपूर्ण भाव डिटेल्स जानवा वीडियो टू शेष जाए देखु। तो आम कथा भाई स्टार्टिंग प्राइस केते कौन आसुचा सर? ये स्टार्टिंग प्राइस है 2999 सर। कितने? 3000। 2999, अच्छा 3000 अच्छा 3000 आरंभ करी केते पर्यंत आपण वर अछि सर? ये तो 3000 से स्टार्टिंग है, 40000 तक है सर, ठीक है। कस्टमर जो चीज पसंद करेगा, जो रेट में जो क्वालिटी पसंद करेगा वही हम लोग देंगे। अच्छा सर, 3000 रो जणा लगेला आउ जणा 40000 टका रो लगेला, जी फरकटा कोन आसीबो? देखिए सर, 3000 स्टार्टिंग प्राइस जो है सर, इसमें क्या होता है सर, नेचुरल तो बढ़िया आता है पर उसका लाइफ थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्राइस तो बहुत कम है ना। स्टार्टिंग प्राइस मतलब आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग प्राइस में कितना लाइफ होता है, और नेचुरल तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ उसमें नेचुरल लुक आएगा, पर जो क्वालिटी मतलब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, मैं जैसा 6000, 8000, 10000, 15000, 20000, तो ये जो क्वालिटी है इसमें क्या होगा, आपका लाइफ बढ़ेगा, इसका जो नेचुरल क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा जड़े ये हेयर लगे बुझले, एटा क्यों थी मान एटा आमर नेचुरल ह्यूमन हेयर ना ये मैंने आर्टिफिशियल करके मेकिंग कर? नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल जो होता है वो सिंथेटिक होता है। वो सिंथेटिक क्या होता है, बहुत सस्ते में मिलता है और कोई भी देख के पता चल जाता है कि ठीक है। तो ये जो है ये लेडीज ह्यूमन हेयर है, लेडीज बाल है। एक्चुअली क्या है, लेडीज बाल मतलब जेंट्स का तो इतना लंबा बाल नहीं होता ना, तो लेडीज बाल ये CFO के इसका मतलब टेस्ट करके डॉक्टर टेस्ट करता है, उसके बाद ही ये फिर मैन्युफैक्चर होता है, अच्छा उसके बाद हम लोग इसको काम के लिए सजेस्ट करते हैं। हाँ वो जो जी भी आसीबो एटा लगेगी हाँ। आपण ये 100% ह्यूमन हेयर, माने जो कस्टमर कहिबे हमको जो हेयर स्टाइल दरकार जी, आपण से हेयर स्टाइल करेंगे जैसे स्टाइल चाहेंगे। अगर उसका पुराना कोई लुक है तो वो लुक दे देंगे, अगर वो मतलब कोई फोटो दिखाएगा गूगल से साइट से या कुछ भी मतलब फोटो दिखाएगा तो हम लोग मतलब लुक दे देंगे। अच्छा माने आपण कहिया कथा होचंती जो माने भी चंदा है कि आउचंती एडु हीरो है कि जाय करबे? हां 100% 100% इतना तो गारंटी हम दे सकते हैं कि अगर किसी का बाल लेंगे वो अगर मतलब चाहेगा कि मैं ऐसा लुक करेंगे तो हम लोग 100% नया लुक दे देंगे। अच्छा सर, आपण तो अनेक जनों को माने सर्विस दोचंती, बहुत गुडे कस्टमर भी आछंती हेयर ग्रो को जी। गोटे मजा क्वेश्चन गोटे पचारि पारि बोली, आपण जो हेयर अछि माने एटा ओरिजिनल ना कि सर? ये मेरा ओरिजिनल बाल है। अच्छा, और कोई कस्टमर मतलब जैसा लुक चाहेंगे हम लोग दे देंगे, ठीक अच्छा, है। अच्छा और सर गोटे क्वेश्चन,
ये जो आगर झड़ले कौन करेगा, आगर जो मैंने हाँ, आगे जो जिसका सामने से बाल झड़ जाता है हाँ, पीछे है साइड वॉल्यूम है उनका भी हम लोग मतलब उसका साइज छोटा आता है छोटा, इसका जो देखिए ये जो बड़ा साइज है जिसका बड़ा जब चला जाता है ज्यादा चला जाता है उनके लिए बड़ा साइज, और जिनका समथिंग थोड़ा सा चला जाता है उसके लिए हम लोग छोटा साइज पैच है तो वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। दाढ़ी फाड़ी अपन लगाओ? नहीं दाढ़ी एक्चुअली क्या होता है, दाढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में होता है और हम लोग वो भी लगाना आता है पर हम लोग वो नहीं करते, ठीक है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए सही है। सर कस्टमर सर्विस मैंने जो सर्टिफिकेशन किमिति कौन होती है? हां कस्टमर सर्टिफिकेशन मतलब देखिए हमारे पास जितना भी कस्टमर आज तक आया है चाहे हमारा गूगल रिव्यू एक बार चेक कर सकते हैं, तो कोई भी कस्टमर मतलब क्या है सर्टिफिकेशन मतलब नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है, सब सैटिस्फाइड होके गया है, ठीक है। सर आ गोटे प्रश्न होची, जो माने बाहर रहउचंती से ओडिसा बाहर होंतु सपोज एडा जेतु हमर भुवनेश्वर रसूलगढ़ पाखरे अछि जणे ब्रह्मपुर रु फोन कला से ब्रह्मपुर रहउची से जदी होम डिलीवरी किबा होम सर्विस मागियो सेटा आपण पहुंचे परिबे? देखिए हमारे हमारे पास क्या है बहुत सारे कस्टमर मतलब आउट ऑफ स्टेट बोलिए या ये जो आपका जो उड़ीसा जो है हमारा जो उड़ीसा है उड़ीसा का वो हर एक जिला से आता है, ठीक है। तो कोई अगर मतलब इधर नहीं आ पाएंगे उसका सिचुएशन ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए हम होम डिलीवरी करते हैं, हमारा बंदा भी भेजते हैं, अगर वो पहले पेमेंट करता है तो हम लोग मतलब होम डिलीवरी करके बंदा भेज के उधर काम उसको सैटिस्फाइड करके फिर आ जाता। चार्जेस कौन मैंने यही ठीक आसले जो चार्जेस रहउछि होम डिलीवरी कॉल चार्जेस मतलब पैच प्राइस तो सेम ही है, पैच प्राइस हम लोग घर जाने के मतलब घर जब जाएगा तो चार्जेस इसका ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ मतलब अगर कस्टमर अगर चाहेंगे कि हाँ जो गाड़ी का जो रेंट है वो दे देगा तो और कुछ नहीं, अगर नहीं देगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उतना नहीं है, फिर भी अगर कस्टमर अगर चाहेगा तो कि हाँ वो बंदा इतना दूर आ रहा है तो उसका गाड़ी का जो रेंट है वो देना दे देंगे तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वो भी करते हैं। दर्शक बंधु जदि आप भुवनेश्वर नहांती जदि आप आउट ऑफ ओडिशा अच्छा आउट ऑफ स्टेट अच्छा किंबा भुवनेश्वर बाहर रोचते आपण जदि एक आपण ऑनलाइन डेलीवरी किंबा होम डेलीवरी चाहूँगी घरे रहीकि पिच करें हेयर ग्रोर लोक हेयर ग्रोर जो स्टाफ अच्छा आपणकर आड्रेस पहुँचिकी सेम सर्विस चार्ज ने जस्ट खाली आपंठ नई जहाँ प्राइस अच्छी आपन को सेम प्राइस आपण मैंने घरे रहीकि लगे पारे एठिकार जो कस्टम एठिकार जो अच्छा एम्प्लॉय से जाकि लगे पारे। तेज दर्शक बंधु जदि आप हेयर ग्रो आसिक आपणकर सुंदरता बढ़ेगा चाहूँ चंदापण मुक्ति होगा चाहूँ से पु हो कि झी हो आपण मैंने आराम से हेयर ग्रो आसिक हैंडसम आउ ब्यूटीफुल होकर जापरि तो यार लोकेसन हो भुवनेश्वर रसूलगढ़ पालामंडप पाखक आसिक जहाँ को भी पचारि पारे कि गूगल लोकेसन में मारिपारे जीजीपी कॉलोनी हेयर ग्रो मारदे पड़ी आसो आपण मैंने आराम से आसिक हेयर ग्रो आसिक हेयर पंच करके अति सुंदर हैंडसम होकरे। सर लास्ट रे जो माने भी देखुचंती कौन कहिबे जो माने दुर्गा एसटीवी थ्रोरु आम चैनल थ्रोरु आपण हेयर ग्रो कंपनी जब आसती एक्स्ट्रा सर्विसटा कौन देवे आ लोकेशन विषय कहीदेवे डिटेल्स कहतु टे। हाँ देखिए अगर अगर कोई कस्टमर आपका दुर्गा स्टडी जो है एसटीवी सॉरी हाँ अगर कोई कस्टमर अगर आके बोलेगा कि मैं दुर्गा एसटीवी जो चैनल है वो देख के आया हूँ तो हमारा जो 50% ऑफ है उसके ऊपर भी जितना हो सके मतलब देखिए 50% मतलब उसमें हमारा कुछ मार्जिन नहीं होता क्या है मोबाइल ठीक है फिर भी आपके लिए सिर्फ आपका चैलेंज देख के जो आएगा उस हिसाब से हम जितना हो सके 5% 2% जो भी हो हम लोग दे देंगे। सर सर लोकेशन डिटेल्स ये लोकेशन है भुवनेश्वर रसूलगढ़ पार्लामेंट ऑफ जीजीपी कॉलोनी, आप जीजीपी कॉलोनी में आके एक मतलब किसी को पूछिए हेयर ग्रो कहाँ है, अगर किसी को पूछना नहीं है सिर्फ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आके एक बार कॉल कीजिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है हमारा बंदा आपके पास भेज देंगे आप गाइड आपको गाइड करके हमारे शॉप में लेकर आ जाएगा। तो दर्शक बंधु जदि आप जापना डिस्क्रिप्शन रे हेयर ग्रो डिटेल्स मुझे लिखी देती आपण मैंने डिस्क्रिप्शन चेक करके हेयर ग्रो को कॉन्टैक्ट कर आसीपरि रोचु नमस्कार।